नासिर सर, राजा नासिर, राजा नासिर अब्बास। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर पर इलामा राजा नासिर अब्बास साहब के जो आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, ताकि जो जड़ा माला का सानिया हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में मसीही कौम के साथ यकजहती का इजहार कर सकें। और हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मसीहों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हर बार उलमा हजरात और ख़ास तौर पर ये हमारे भाई हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारे दुख और दर्द में शरीक होते हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि जिन्होंने ये किया है उनको वाकई करार वाकई सज़ा दी जाए, इंसाफ फराहम किया जाए, और जिन लोगों के घर जला दिए गए हैं और चंद लम्हों के अंदर उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी और सब कुछ जाता रहा है, वो चर्चेस जो 23 के करीब चर्चेस हैं जिनकी लिस्ट मैंने देखी है जो जलाए गए हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, मुतालबा है कि उनको हुकूमत तामीर करके दे और उन घरों को बनाया जाए ताकि उन लोगों का के नुकसान का अजाला हो सके। सो मैं इलामा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा नाम बिशप खालिद परवेज है, यूनाइटेड पेंटिकास्टल चर्च से, और इस हादसे में हमारे दो चर्चेस वहां पर मौजूद हैं, दो पास्टर्स वहां पर मौजूद हैं जो मुतासरीन में शामिल हैं। जी, मैं शहबाज चौहान हूँ, मसीही कौम का नुमाइंदा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, वादत मुसलमीन का, लेकिन हम बड़े दुखी हैं राय साहब। रोवे पल तो पल कोई रोवे, सानू लाके गल कोई रोवे, आवे कोई दिलासा देवे, दुखियां दे नाल रल कोई रोवे, कोई ते साड़ी पीड़ नू समझे, किसे नू उठे सर कोई रोवे, ऐते दुनियादारी है फिर, आज कोई हसे कल कोई रोवे। समझ नहीं आ रही कि आज का दिन 30 से ज्यादा चर्च जलाने पर पाकिस्तान को ये जो आलमी रिकॉर्ड हासिल किया है, मुबारकबाद दी जाए या रोया जाए। सुबह शाम जिन गिरजों में पाकिस्तान और अहलियाने पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगी जाती थी, उनको जलाकर कौन सा पैगाम दिया गया है आलमी बरादरी को? अगर इस वाक्य को देखा जाए तो किस्सा क्या था कि एक पेपर मिला जिस पर किसी शख्स की फोटो, घर का पता, बल्दिया, दादा का नाम, फोन नंबर लिखा हुआ था। किसी ने अज्यूम किया कि ये इसी शख्स ने ऐसी कोई घिनौनी हरकत की है। अगर ऐसा किया था तो मुल्क में आईन है, कानून है, रियासत का काम है उसको सजा देना। अभी इल्जाम लगा था, साबित तो नहीं हुआ था। किसी ने खुदा के घर में जाके ऐलान किया और लोगों ने आओ देखा न ताओ और खुदा के दूसरे घर और उन लोगों के घरों को जला दिया। माजी के ऐसे वाकयात में ये साबित है कि वाकया जाती रंजिश जमीन के हुसूल या किसी और बिना पर होता है। क्या सबक सीखा है हमने इससे? किसी को सजा मिली? क्या रियासत ने इसके हवाले से कुछ इकदाम किए? हमारे बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे उलमाए दीन ने इन वाकयात की मजम्मत की है, करनी भी चाहिए, मगर मजम्मत काफी नहीं है राय साहब। ऐसे अकल सियारी और दरिंदा सिफत लोगों को रोकना होगा जिनसे कब्रस्तान तक महफूज नहीं है। इस वाक्य में आपने देखा भी है, जो इस्लाम और पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं,
याद रखें ये घर ये गिरजे और बन जाएंगे। इन घरों और गिरजों में बाइबल तौरात ज़बूर जले होना तो ये चाहिए था कि मसीहों की जानिब से भी तमाशा लगता, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मसीहों की तरबियत ऐसी नहीं है। मसीह अमन पसंद है, मसीहत को कोई ऐसा खतरा भी नहीं हुआ। इससे हमारा ईमान और मजबूत हुआ ऐसे वाकयात से, मगर दुनिया का एतमाद ना रहा हम पर। अपने इस अमल से आपने करीब आने वालों को भी दूर कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि अगली नस्लों के लिए, उनके भले के लिए मोहब्बत और रवादारी, भाईचारे, एहतराम इंसानियत और आमांगी के फरोग के लिए ऐसे लोगों को कानून हाथ में लेने वाले और बेगुनाहों पर जुल्म सितम करने वाले इकदामात से रोका जाए। अपने निसाब को असर नौ देखें, ऐसे मवाद के फैलाव को रोकें जो नफरत और कदूरत का सबब बनता है। आपने आईने पाकिस्तान और कायदे आजम के अहद को जो पाकिस्तानियों के साथ था वहां के रहने वालों ने तोड़ा। अपने प्यारे नबी के अहद को तोड़ा उन लोगों ने। कल जब हमारे लोग जंगलों में जान बचाने के लिए भागे, हमारी बहन बेटियां बयाबानों और फसलों में सोई तो मुझे शामे गरीबा रह रहकर याद आई। आका जी, दर्द से सीना छलनी हुआ कि नबी की बेटियों के साथ डांपने वालों की बच्चियों के दुपट्टे उनके इस्लामी भाइयों ने छीन दिए और एसपी सिंगा के बोर्ड से भरने वाले पंजाब में उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। जनाबे अली, वाकया तो जो होना था हो गया, अब करना क्या है? क्या सिर्फ मजम्मत करनी है? क्या सिर्फ यही कहना है कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये चंद शर पसंद है? ये चंद नहीं है जनाब, ये बहुत ज्यादा हो गए हैं जो मुल्क और इस्लाम को बदनाम करते हैं। इनको रोकना होगा, हम तो कमजोर हैं, आपको रोकना होगा क्योंकि बदनामी आपकी भी हुई है। आप कहते हैं इस्लाम अमन का दीन है, तो फिर अमली तौर पर यह साबित करना होगा कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम रवादारी का दीन है, इस्लाम जो पत्थर खाकर दुआ देने वाले का दीन है, जो कूड़ा फेंकने वाले के घर जाकर तिमारदारी करने वाले का दीन है। इस दीन के खिलाफ साजिश हो रही है आगा जी, इस साजिश को रोकें, बजोरे बाजू रोकें इसको। आप और आप जैसे दीगर मुदब्बिरीन और मुफक्किरीन इस वाक्य पर जो उनका रद्द अमल है वो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खासतौर पे दो तीन दोस्तों का यहाँ नाम लेना चाहूँगा, जेडीसी के जफर अब्बास साहब और मेरे दोस्त सैयद जुनैर नकवी, अली नकवी, अली कसवर, सैयद अफान अजहर, जिन्होंने वहाँ हमारी जिन बच्चियों की शादियाँ थी उनको जहेज का उन्होंने ना सिर्फ वादा किया बल्कि कल मुझे पता चला कि उन्होंने वो वादा पूरा भी किया है। इन दोस्तों की जहाँ मैं खिदमात को सराहता हूँ, वहीं एक वीडियो इन दिनों और वायरल हुई है सर। एक आलिम शख्स किसी आला पुलिस अफसरान के साथ खड़ा है और जो उलमा दादरसी के लिए वहां जा रहे थे उनके साथ जाना चाह रहा था। ये वही शख्स है सर जो हुजूम को इश्तियार दिलाने में पेश पेश था। इस दौरे मायार को खत्म करना होगा, या हक सच और मजलूम के साथ या जाबिर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इमरान आमी का एक शेर है, अजब मजाक रवा है यहाँ निजाम के साथ, वही यजीद के साथी वही इमाम के साथ। तो ये दोहरा मयार जो है इसको खत्म करना होगा और कहीं ऐसा ना हो कि आप इस जन्नत में सिर्फ अकेले ही रह जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुक्रिया हमारी दौर पर आप तशरीफ लाए और एक इंतहाई हसास मौजू के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। जिस ऐसा वाकया रनुमा हुआ जिसने हमारे वतन के पैपर पर ऐसा गहरा घाव लगाया है जो आसानी से मंतबिल होने वाला नहीं है, इस वाक़े पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। जड़ावाला के अंदर जो हुआ ये पहला वाक़या नहीं है। हमारी मसीही बरादरी और हमारे मसीही बहन भाइयों के साथ जो भी पाकिस्तान में बसता है, पाकिस्तानी है, ग्रीन पासपोर्ट रखता है, वो हमारा पाकिस्तानी भाई है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, बराबर के शहरी है, उनके बराबर के हुकूक हैं।
पाकिस्तान का परचम जहां उसका रंग सब्ज है वहीं पर उसका रंग सफेद भी है। सफेद सफेद रंग जो है ये हमारे तमाम के तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के लिए है, वो हमारे ईसाई भाइयों मसीही हों हिंदू हों सिख हों पारसी हों जो भी हों। तो पाकिस्तान का जो कायदे आजम का पाकिस्तान था वो तो सबका पाकिस्तान था, उसमें किसी का भी एक दूसरे से ज्यादा हक नहीं था, सब बराबर थे, एक जैसे थे। लेकिन इस पाकिस्तान को इंतहा पसंदी का जहर खा गया है, एक्सट्रीमिज्म और इंतहा पसंद और अफराती और तफरीती टोला जो है उन्हें बकायदा तरजीह दी गई है, उन्हें स्पेशल बनाया गया है, उन्हें स्पेशल हुकूक दिए गए हैं कि वो जो भी कर दें उन्हें कोई नहीं पूछेगा। वो कत्ल करें, वो आग लगाएं, वो जलाओ गिराओ करें, वो आजाद हैं। जिसके नतीजे में ये वाकयात पैदा हो रहे हैं, यानी अब ये पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है, ये अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान नहीं है। जड़ा वाले के वाक्य पर शर्म से सर झुक जाते हैं। मैंने पहले कहा ये पहला वाक्य नहीं है, कई वाक्यात पहले हो चुके हैं, ये एक सीरीज है वाक्यात की। सिर्फ चर्चों पर हमले नहीं हुए, मंदिरों पर हुए हैं, मसाजिद पर हुए हैं, इमाम बारगाहों पर हुए हैं, बाजारों में, स्कूलों में, कॉलेजों पर। ये स्पेशल टोला है। और आपने देखा होगा थोड़ा सा अरसा पहले, कुछ अरसा पहले ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की रैलियां निकाल रहे थे। ये बकायदा एसेट्स हैं, इन्हें रखा ही इसलिए गया है कि आपने लोगों को दबाने में हमारा साथ देना है। 23 के करीब चर्च जलाए गए। बाइबल अल्लाह की इलहामी किताब है, कुरान इलामी किताब है, बाइबल भी इलामी किताब है। हम खुद अपने इन अगर ईमान न रखे इन किताबों पर तो हम मुसलमान नहीं है। अगर इंजील पर ईमान ना हो हम कहते हैं आमन तो बिल्ला है व मलाइका दी व रसूल ही व कुतुब ही। अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की उन पर हमारा ईमान है, ये मुकद्दस किताबें हैं, इलामी किताबें हैं। लिहाजा इनको चलाओ गिराओ। और आपने देखा माजी में भी ऐसे होता है, वाकयात कुछ और होते हैं, रंग कुछ और दिया जाता है। जब तक इन इंतहा पसंदों के दांत नहीं तोड़े जाएंगे, इनके हाथ नहीं तोड़े जाएंगे, मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी का रास्ता नहीं रोका जाएगा, विल नहीं पैदा होगी, ये ऐसे होता रहेगा। इनके लिए एपीसी आर्मी पब्लिक स्कूल हो, एपीएस चर्च हो, दाता दरबार का मजार हो, मसाजिद हो, इमाम बारगाहें हो, बाजार हो, कोई फर्क नहीं करते। 80,000 के करीब लोग इन्होंने मारे हैं पाकिस्तान में, इन कातिलों ने। और फिर ये कातिल इस्तेहकाम में पाकिस्तान की रैलियां निकालते हैं और इनको सपोर्ट किया जाता है। लिहाजा इस वक्त भी जब मैं आपके पास बैठा हूं, मजलिस-ए-आज़म मुस्लिमीन का जो मेरे सेकंड है उनकी सरपरस्ती में, जनाब अहमद इकबालवी साहब की सरपरस्ती में खुद वहां मौजूद है। इससे पहले पहले दिन जिस दिन ये वाक्य हुआ हमारे फैसलाबाद के दोस्त भी वहां चले गए थे, मौजूद थे। मुझे उन्होंने बताया साहब तौर पर कि कई घंटे जलाओ गिराओ होता रहे, पुलिस कहां है, लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेज किधर है, किधर है, नजर ही नहीं आती। जब सब कुछ जल के राख हो जाए फिर पहुंच जाते हैं इकदाम करने के लिए। ये है इनकी तैयारी, ये आवाम की जान माल की हिफाजत की आमादगी और तैयारी इनकी। कई घंटे लगे, 23 के करीब चर्च जला दिए गए, घर जला दिए गए, बहुत ज्यादा लूटा गया घरों को। ये फिर देखें जैसे पहले बात हो रही थी कि एक आदमी अपना नाम लिख के, अपना सारा एड्रेस लिख के, अपना पूरा शजरा लिख के तोहीन करता है, फिर इल्जाम
कोई तहकीक नहीं, और उसके बाद जनाब वाला आप उठो मस्जिद से ऐलान हो अल्लाह के घर से। और जो ईसाई भाइयों के चर्च हैं ये भी तो खुदा के नाम पर है, वहां पर जो किताबें पढ़ी हैं वो इल्हामी किताबें हैं, उठो हमला करो। अच्छा, एक बंदे का कसूर है, सारे चर्च जलाने हैं आपने, सब घरों को लूटना है और आग लगानी है। ठीक कहा इन्होंने, ये वही नस्ल है जिस रसूल पाक की बेटियों और नवासियों के घरों को लूटा, खैमों को लूटा, आग लगाई, और वो जंगलों और बियाबानों में बच्चों के साथ, यतीमों के साथ उन्होंने रात गुजारी। ये वही इस्लाम है, यजीदी इस्लाम है, ये यजीदी इस्लाम है जो कातिलों का इस्लाम है, जो कहते हैं अल्लाह अकबर है, बेगुनाहों का गला काटते हैं। जिस इस्लाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी कहा जाता है, और यजीद की हुकूमत को लेजिटिमेट और मशरूयत और लीगल हुकूमत कहा जाता है, ये वो इस्लाम है, उसकी नस्ल है ये। हम भी मुसलमान हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दिल में रहते हैं, और हम विक्टिम हैं, हम सारे विक्टिम हैं, हम सारे इन दहशतगर्दों का निशाना बने हैं। हमने 22,000 से ज्यादा लाशें हमने उठाई हैं, और ये खुद मुद्दई भी बनते हैं और फिर खुद जनाबे वाला जज भी बनकर फैसला करके तो खुद इजरा करते हैं, फिर सारे काम खुद करते हैं, मुद्दई भी खुद हैं, गवाह भी खुद हैं, जज भी खुद हैं, और फिर सजा भी खुद देते हैं। कहां है रियासत, कहां है रियासत, कहां है रियासती इदारे, किधर चले गए, कितने लोग और मरेंगे, कितनी इबादत गाहें जलेंगी, कितने घर लुटेंगे, कितने घरों को आग लगाई जाएगी, कब होश आएगा इन्हें। काश रियासती इदारों की और हुकूमती इदारों की पहली जिम्मेदारी अवाम की जान माल और नामूस की हिफाजत है। ये हमारी बेटियां थी जो उस रात उस दिन वहां जंगलों बियाबान और खेतों में जाके बच्चों को उठा के दौड़ी है और सोई है, वहां जाकर क्या सोई होंगी वहां पर, वो उस बिदर उस खौफ के आलम में हरासमेंट। ये कैसा मुल्क है जहां खौफ और हरास पैदा किया जाता है। हमारे मसीह भाई क्यों हरास का शिकार हो, हमारा हिंदू भाई क्यों हरास का शिकार हो, हरासमेंट का। ऐसे होते हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा था बने, ये पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया था, नहीं ये कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है, ये तकफीरियों का पाकिस्तान बनाया जा रहा है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है पाकिस्तान की, यूई तक ने मजम्मत कर दी इनकी, ये क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहा बिट्टा से बस जो था सिंबोलिक किस्म की, जाते हम ये कर दें वो कर दें। भाई जो आदमी मुलव्वस है वो आईजी के साथ माशाल्लाह वहां पर जो मेन कल्प्रेट है वो आईजी के साथ वहां घूम रहा है। सबसे पहले से तो आईजी को महसूस करना चाहिए था, आईजी को उठाना चाहिए था, उसकी नलायकी है। वैसे तो ये इतने शेर और दलेर हैं कि आप जहां जो जब जो करना चाहते हैं कर लेते हैं, ये जो करना चाहते हैं कर लेते हैं, हजारों लोगों का रास्ता रोक लेते हैं जब चाहें तो, ना चाहें तो उनकी मर्जी। इन एसेट्स को ताकतवर ना बनाओ, इन दहशतगर्दों को, तफरीदियों तकफीरियों को, इफरादियों को, एक्सट्रीमिस्ट को, ये तुम्हें भी निकल जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे पाक फौज के जवानों को पाकिस्तान के अंदर मारा, हमारे पुलिस वालों को मारा, हमारे हर एक को मारा इन्होंने, इनको तुमने ताकतवर बनाया था, ज़ियाउल्लाह के दौर से ये एसेट्स बनना शुरू हो गए थे। लिहाजा हम इसकी मजम्मत वाकई लग छोटा है। उस मां का क्या हाल होगा जब वो बच्चा उठा के दौड़ी होगी, जिसको जूते भी भूल गए पहनना, सर पर दुपट्टा रखना भी भूल गया, दौड़ी है अपनी जान और बच्चों की जान बचाने के लिए। ये बेहस लोग हैं, हुक्मरान बेहस हैं। यहां तो खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का, खेल खेला जा रहा है। ये अच्छे साइंस नहीं है, ये साइंस है कि पाकिस्तान फेलियर का शिकार हो चुका हुआ है।
इस मुल्क में ना कोई कानून है ना कोई आईन है। अभी आपने सुना है सदर पाकिस्तान का जो ट्वीट आया, अगर वो सही है तो फिर गोया प्रेसिडेंट हाउस में भी नकब लगी हुई है। ये हालत है हमारे मुल्क की। दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है? हमारे मुल्क कितनी तोहीन तजलील और तहकीर होगी, किधर जा रहे हैं हम? हमारा हमसाया मुल्क चांद पर चला गया है, उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ देखें कितनी हो रही है, कितना ताकतवर हो रहा है जिनसे हम जुदा हुए थे। बांग्लादेश को देखें कितना ताकतवर हो गया, इकोनॉमिकली कितना आगे निकल गया, और हम कहां खड़े हैं? डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, गर्क हो रहे हैं। यूं लगता है कि ये ताकतवर लोगों के अबाओ अजदाद की मीरास है पाकिस्तान, ये जो जड़ावाला में हुआ है। ये इस बात की दलील है, क्योंकि उसके बाद जो इकदाम हो रहे अभी तक ना कंपनसेट किए जा रहे हैं, और जो चार जले हैं उन्हीं को वहीं पर पोचा पाची करके उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। भाई उन्हें रेनोवेट करो सही तरह से, जो जल के खत्म हो गया उनको सही तरह से बनाओ। नहीं नहीं, जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने सारा प्रसिड ड्रामा रचाया, जिन्होंने कत्ल सारे का सारा मनसूबा बनाया, ग्राउ जलाओ का, वो साथ पुलिस के आईजी के साथ फिर रहे हैं। ये क्या है? मैं पाकिस्तान आपके तवस्सुल से पाकिस्तान के आवाम से कहता हूं, हमारा मुल्क डूब रहा है। हमारा मुल्क का इमेज दुनिया में सिया इमेज है, सिया चेहरा है, ब्लैक काला चेहरा है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है। हम पाकिस्तानी, हम तो ऐसे नहीं है। आपने ये पिंडी का वाकया देखा था आशूर का 2013 में, बाद में डीजी एसपीआर उस वक्त जनरल आसिफ गफूर थे मेजर जनरल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा, ये खुद इन्होंने किया था मस्जिद में राजा बाजार में, खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजी एसपीआर ने, और कितना अपनी मस्जिद को आग लगाई, कुरान जला दिए और ब्लेम हमारे ऊपर लगाया, और फिर गिराव जलाओ शुरू हो गया। शहर में इमाम बारगाहें जलाएगी, मसाजिद जलाएगी, कुरान जलाए गए, अहले बैत अहले मुसलाम के नाम जलाए इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर घिराव जलाओ शुरू करवाया। एक ऐसा टोला यहां मौजूद है पाकिस्तान में, जो आपके जियाउल हक साहब के दौर के जो अफगानिस्तान जंग के मुजाहिदीन आपने बनाए थे, ये अब जिहाद ये कर, इनका जिहाद ये है, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। ये आग के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। ये हमारे मुल्क बन गए, और फिर आपने देखा अभी जो कानून बनाया गया कानून कैसे बनाए जा रहे हैं, ये तो हैरानगी है। आपने देखा होगा जो तहफ्फुज़ नामूस अहले बैत व तहफ्फुज़ नामूस सहाबा और उम्मतुल मोमिनीन बिल, इन्हीं इंतहा पसंदों ने इसके पीछे, ये इंतहा पसंद सेम लोग इनके पीछे, पहले ये कत्ल करते रहे, हमें नहीं मार सके, नहीं डरा सके, नहीं भगा सके, तकफीरियत काफर काफर के नारे लगाते रहे, नाकाम हुए। अब वो तबका पार्लियामेंट के अंदर उसने नफूज किया, पेनिट्रेट किया हुआ है, सेनेट में पेनिट्रेट किया हुआ है, और वही लोग इनके पीछे जिन्होंने इनको बनाया था ताकि मुल्क को कानून के जरिए आग लगाई जाए, लोगों के गले कानून के जरिए काटे जाए। इनके हाथ में कानून की लाठी या कानून की गोली या कानून की कलाशनकोप दी जा रही है। 8 बंदे बिल पास करते हैं तो ये पार्लियामेंट किस लिए है? सेनेट में 25 सेनेटर है, बुलडोज करते हैं, बात नहीं करने देते किसी को। ये कराना, ये पेनिट्रेशन है इनकी, हमारे तमाम आम इदारों में इनकी पेनिट्रेशन भी है और उनकी सरपरस्ती भी है। हमारा जो सादिक संजरानी साहब, उन्होंने बिल पर बहस नहीं कराई, जो चेयरमैन सेनेट है, यानी इनको सपोर्ट किया उन्होंने इस काले कानून, इस तरह के कानून बनाने वालों को, भाई देखो अहले बैत तहफ्फुज़ नामूस अहले बैत का बिल अगर इस तरह से होना हमारी नगाह में, वो बिल दुरुस्त नहीं है, ये ब्लैक किस्म की कानून साजी है। तहफ्फुज़ नामूस साहबा, कोई गली का बंदा जैसे भी हुआ है, एक इल्जाम लगाएगा किसी के ऊपर कि इसने अहले बैत की तोहिन कर दी है,
इसने साहबा की तोहिन कर दी है, इसने अम्बादुल मोमिन की तोहिन कर दी है, उसके बाद फिर मस्जिद से जाके नारे लगाएगा, आवाज देगा लोगों को उठो, फिर घर को उसको मारेंगे, उसके घर को भी आग लगाएंगे और तबाह बर्बाद करेंगे। ये है, ये किस महजब जमहूरी मुल्क में ऐसे हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। इस वक्त ये बिल आप देखें, इस बिल को सपोर्ट करने वाले भी तकफीरी हैं, इसके लिए आवाज उठाने वाले भी तकफीरी हैं। लिहाजा गली गली कूचा कूचा लड़ाई इसके पीछे, देखे कौन सी रियासत, कौन से अकलमंद और बाशऊर लोग अपने मुल्क को गली गली कूचे कूचे में लड़ाई लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान है हमारा, कोई चादर चारदीवारी का तसव्वुर नहीं है। किसी की बेटी उठा लो, अभी रात को श्री मजारी साहब की बेटी को उठाया, कानून के जरिए उठा सकते हैं अगर किसी ने गलती की, लेकिन ऐसे दरवाजे तोड़ना मुझे पता चला है, और लोगों को भी उठाया हुआ है। क्या कानून ने कोई किसी के ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम है उसको गिरफ्तार करने का तरीका नहीं बताया हुआ है कि क्या कानून लाकानूनियत के जरिए आप उसको अप्लाई करेंगे? जिसको दबाना चाहे तो आप एक मिनट लगाते हैं, और वहां दहशतगर्द सारा दिन डट डराते रहे और आग लगाते रहे, किसी ने नहीं पूछा। इस वक्त पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान के बाशऊर लोगों को अपने वतन को इस तरह की सोच रखने वालों से आजाद कराना होगा, ताकि इसमें सारे अमन से जिए, सारे मोहब्बत से जिए, सारे खुश होकर रहें, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क आगे बढ़े, बावकार मुल्क बने। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दिल खून के आंसू होता है अपने वतन की हालत देखकर। जिन लोगों ने आगे लगाई है उनकी लीडरशिप को किसी ने नहीं पूछा, उनके लोग किसी ने नहीं पूछा। ये है पाकिस्तान, लगता है कहीं और भी आग लगवानी है अभी इन्होंने, हौसला देना है। आप मुझे बतलाएं ना, इतने हमारे 22,000 के करीब कातिल हैं, शहीद हैं हमारे, और जिनको कत्ल किया गया 22,000 के करीब लोग मकतूल हैं, कितनों को सजा दी गई है? APS के कॉलेज के जो था आर्मी पुलिस स्कूल के बच्चों के जो कातिल थे वो कहां हैं? बहुत से लोगों को जनरल फैज ने, मैंने सुना है कि बकायदा पिछली जो जनरल फैज साहब थे उन्होंने मुआहदे किए, पता नहीं क्या किया, और उनको आजाद किया। देखिए पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा, ये 25-26 करोड़ आवाम का मुल्क है, दुश्मन अजदहा की तरह मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं। आपको बाहर की कुवतों, पाकिस्तान को आप बाहर से किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं है, अंदर में जो लावा पक रहा है काफी है। हम यहां रहते हैं, हमने यही जीना और मरना, यही दफन होना है। लिहाजा हमें चाहिए कि पाकिस्तान आईन और कानून के मुताबिक चलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और कानून किस लिए बनाया जाता है? एक जुमला सुन लें बस। आपने देखा होगा इस्लाम के अंदर, मैं पाकिस्तान के मुसलमान फुकहा से भी कहता हूं, लिखा है कि अल हुदूद तुदरो बिशुबहात, यानी शक का फायदा मुलजम को दिया जाता है। ये इसका माना सादा सा ये, कानून जब बनाया जाता है तो दो तरह की सोचें हो सकती हैं। एक कानून बनाने का तरीका, बनाने का मकसद यह है ऐसा कानून बनाए कि कोई बच के ना जाए, कोई मुजरिम या मुलजम बच के ना जाए। जब इतना सख्त आप रखेंगे तो बहुत से बेगुनाह भी उसमें फिर मारे जाएंगे, सजा पाएंगे। एक बार कानून यह बनता है कि कोई बेगुनाह सजा ना पाए, कानून ऐसा बने कि कोई बेगुनाह ना रगड़ा जाए, फिर आप कानून को इस तरह से बनाते हैं कि बेगुनाहों को, जिनके बारे में शक है उनको फायदा होता है इसमें कानून। ऐसे ही है, हमारी मर्जी का तो कानून नहीं बनेगा ना, हुदूद इस तरह से है। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने मसलन जिना किया है तो उसकी शरायत है, सजा अगर सख्त है कि इसको रजम करना है या इसको कोड़े लगाने हैं, तो चार गवाह हों, आदिल हों, उतनी सख्त शरायत है कि शायद इम्कान ना हो साबित करना आसानी से उसको। मुहिम सजा देना
हार किसी को नहीं है, ये है कि कोई बेगुनाह सजा ना पाए, कोई किसी पर इल्जाम लगा दे इसने ये जुल्म किया ये ज्यादती किया और पकड़ के सजा दे दो उसको। कैपिटल पनिशमेंट आप दे रहे हैं, जमानत का भी हक नहीं है, जिंदगी तबाह इस पाकिस्तान की, जुर्म क्या इसका ये पाकिस्तान में पैदा हुआ है, चूंकि तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो, चूंकि तुम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के नजरिए के हो, लिहाजा तुम्हारी तुम्हें इस मुल्क के अंदर ऐसे ही रखा जाएगा, तुम जेल जाओगे, कैपिटल पनिशमेंट लोगे, तुम्हारी जमानत नहीं होगी और तुम्हें वकील भी नहीं मिलेगा खौफ के मारे। ये जुर्म है। हमारे मसीह भाई ईसाई भाई जो इस वक्त इन मुश्किलात का शिकार हैं, हम भी इनके साथ बराबर के मुश्किलात के शिकार हैं, हम सारे मजलूम हैं, हमारा आपस में एक रिश्ता जो है वो मजलूमियत का रिश्ता है। ब्रादर शाहबाज जो अशआर भी पढ़ जो गुफ्तगू उन्होंने की है, वाकई वो एक नोआ है, एक मरसिया है मजलूमों का जो उन्होंने पढ़ा है। इस वतन के अंदर दिन दिहाड़े ये जुल्म, दिन दिहाड़े, लेकिन ये हमें भाई सजा मिल रही है। किस बात की सजा मिल रही है कि तुम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए हो, तुम्हारे अबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की हमायत क्यों की थी, और उन लोगों से मैं मरवाया जा रहा है जिनके अबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी, उनसे मैं मरवाया जा रहा है जिनका कभी भी दिल पाकिस्तान के साथ नहीं था। हम क्यों नहीं कत्लो गारतगरी करते, हम क्यों नहीं बम फाड़ते, हम कायदे आजम के बेटे हैं, हम अल्लामा इकबाल के फर्जंद हैं, हम इंसान हैं, इंसान हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम इंसान हैं, हमने कुरान अहले बैत का दामन पकड़ा हुआ है, हम इंसान हैं, दिल से इसकी मजम्मत करते हैं और दिल से इनके साथ इंशाल्लाह हम अपने रिश्ते ताल्लुक रवाबित मजीद बढ़ाएंगे। हम इकट्ठे हैं, हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, हम मिलकर आवाज उठाएंगे और खालिक कायनात हमारी मदद करेगा। वो रब्बुल आलमीन है, हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, वो इंसान हो वो इंसान ना हो, वो मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, रहमतुल लिल आलमीन है। इंशाल्लाह हम मायूस नहीं है, ला तखा तुम रहमतुल्लाह, एक दिन आएगा हम इस वतन का कब्जा छुड़वा देंगे इंशाल्लाह। इस वतन में तकफीरियों से इस वतन को निजात दिला के रहेंगे। ये खूबसूरत गुलदस्ता जो है, ये खूबसूरत चमन जो है मुख्तलिफ रंगों के फूलों का, इंशाल्लाह ये आबाद होगा, ये खजान का मौसम टल जाएगा, ये तारीख रात गुजर जाएगी, बहार जरूर आएगी, आदल का सवेरा जरूर होगा। हम कभी मायूस नहीं है, अच्छाई जीतेगी बुराई हारेगी, पॉजिटिव फोर्सेस जीतेंगी नेगेटिव फोर्सेस हारेंगी। अभी रुसवा तो हो रही है ना, इनके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं ना, नंगे हो रहे हैं ना दूसरों को नंगा करने वाले, खुद नंगे हो रहेंगे, बरहना हो रहेंगे। जो बरहनगी का और नंगेपन का कल्चर रवाज देना चाहते हैं वो खुद नंगे हैं। इंशाल्लाह हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम इकट्ठे हैं। मैं पाकिस्तान के आवाम से कहता हूं, अगर हमारी हुकूमती इदारे उन चर्चेस को सही तरह से नहीं बनाते तो पाकिस्तान के जो बाशऊर अवाम है अपने भाइयों के साथ खड़े हों और सब मिलकर उन चर्चों को जिस तरह से चाहते बनाने में सपोर्ट करें इंशाल्लाह, और घरों को आबाद करने में भी सपोर्ट करें इंशाल्लाह। शुक्रिया। देखें ये काल, पहली बात यह कि आप जानते हैं जियाउल हक के जमाने में, जियाउल हक जब मार्शल लॉ लगा उसके बाद से ये इंतहा पसंदों को मुनज़्ज़म किया गया, उनके लश्कर बनाए गए, ग्रोह बनाए गए, तकफीरियों को सपोर्ट किया गया और ये सिलसिला चला, आज तक उनकी सरपरस्ती जारी है। ठीक है, ये तो वाज़ेह हो गया। ये जो बिल के हवाले से है, ये इस बिल से पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान को खतरा है।
یہ بل ایسا ہے, میں مثال دیتا ہوں, اگر اہل بیت علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہوتا اور یہ ایسا بل ہوتا, اہل بیت اگر ہونا ان سے سوال کرے وہ راضی نہیں ہوں گے کہ ہر گلی کچے کا بندہ اپنی ذاتی دشمنی کے لیے اٹھے ایف آئی آر کٹوائے اور دوسرے کے ساتھ جاتی کرے. وہ عدل کے لیے آئے تھے, ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. سیم صحابہ کا جو بل ہے, صحابیوں سے پوچھیں آپ راضی ہیں اس طرح کی سزا کے, اور ہر کوئی گلی بندے کا اٹھے اور آپ کے نام پر ایف آئی آر کٹوا کے اپنے ذاتی دشمنوں کو نقصان پہنچائے. آپ نے یہ بل بنایا, توحید کی ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ نے کیپٹل پنشمنٹ دی اور آپ نے ضمانت حاضری دیا, تو جو جھوٹی ایف آئی آر کٹوائے گا اس کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے, کھلی چھوٹ دی ہے. جتنی ایف آئی آر کٹواؤ, جتنے گھروں کو لوٹو, آگ لگاؤ مسجدوں کو, امام بارگاہوں کو, جو کر سکتے ہو کرو. ہر شہر کو, ہر گلی محلے کو, ہر علاقے کو جڑا والا بناؤ, یوحنا آباد بناؤ, ہر علاقے کو بناؤ. یہ کیا انہوں نے. یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اس جیلی پارلیمنٹ اور ان کوتن سینیٹر نے جو یہ کام کیا ہے, احمقوں نے جو یہ کام کیا ہے, یہ پاکستان کے اوپر وار کیا ہے, گہرا وار کیا ہے. ہمیں یہ درد ہے. ہم کسی کی گستاخی, ہر کسی کی گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں. کسی کی گستاخی اور توہین جائز نہیں ہے. کسی کو بھی, عام انسان سے لے کر بڑی بڑی شخصیات تک, تمام انسانوں کو کی توہین حرام ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اس طرح کا کرنا, کھیل کھیلنا, کلواڑ کھیلنا, اور اس سے انتہا پسندی کو بوسٹ ملے گا, تکفیریت کو بوسٹ ملے گا, اور جس کو دبانا ہوگا ان کے ذریعے دباؤ, ایف آئی آر کاٹو, اور پھر بھگتا رہے. نہ ضمانت ہوگی, نہ آپ کو پتا ہے کورٹوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں کتنے کیس ڈیلے ہوتے ہیں, کس طرح سے سلسلہ آگے چلتا ہے. اٹھا لیا جاتا ہے, پھر بھگتے رہے, پھر سب لوگ, عدلیہ بھی مینج ہو جاتی ہے, سب جج مینج ہو جاتے ہیں. اس ملک کے اندر ایسے قوانین, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اور ہدف ہیں اس کے پیچھے, اور مقاصد اس ملک کے پیچھے. کچھ اس ملک کو مزید خطرناک قسم کا قید خانہ اور جیل بنانے کے ارادے ہیں. یہ پورا ملک جیل بنانا چاہتے ہیں, زندان, جیل. ابھی جو میڈیا پر پریشر آپ کے سامنے نہیں ہے, کسی مہذب ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ یعنی اس ملک کے اندر حیرانگی ہے. انشاءاللہ جو یہ میرے ساتھ اپنے مسیح بھائی بیٹھے ہوئے, میں مزید ان موضوعات پر ان کے سامنے ممکن ہے, میں سب جڑا والا مسئلہ باقی بعد میں باتیں کروں گا الگ سے پریس کانفرنس کر کے. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے, یہ جو اعلان ہوا ہے یکم ربیع الاول کا, یہ پوری اہل تشیع کی پوری قوم کا اعلان ہے. یہ ایک بندے کا اعلان نہیں, پوری قوم آئے گی. ہمارے ساتھ اہل سنت علماء بھی ہوں گے, ہم سب کو دعوت دیں گے, کیونکہ یہ بل سب کے خلاف ہے. پاکستان کے ہر شہری کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. درست ہے, یہ پاکستان کے اندر, انڈیا میں شیو سینا ہے, کیا ہے وہ آر ایس ایس, یہ ایک, انہوں نے ایک آر ایس ایس پاکستان میں موجود ہے, آر ایس ایس ٹائپ تنظیمیں, اور یہ ان کے ہاتھ میں خنجر ہے, قانونی کلاشنکوف ہے. مارو, لڑتے رہو آپس میں, گھر گھر میں لڑائی ہو, یہ ہم نہیں برداشت کریں گے. لہذا ہم اس کے خلاف نکلیں گے, اور پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے, پورے پاکستان سے. اب دیکھیں گے کہ انسانوں کا ایک سمندر امٹ کے آئے گا. شیعہ سنی بھی آئیں گے, ہم مسلم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی, ہم مسیح برادری کو بھی دعوت دیں گے وہ آئیں, اور ان کو بھی. ابھی ان کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر جڑا والا میں, تو انہیں مذہب اور توحید رسالت کے نام پر ان کو جلایا گیا ہے. وہ بل ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا, ہر ایک کے خلاف استعمال ہوگا. لہذا ہم سب مل کر اس کے خلاف آئیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب, آپ نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے اے پی ایس کے جو دہشت گرد ان کو چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا کہ وہ جو مین اسٹریم میں لانے کی سلسلہ بنا دہشت گردوں کو, مسلم خان کو, بہت سے لوگوں کو چھوڑا ہے انہوں نے. احسان اللہ احسان کس کے دور میں گیا ہے؟ علامہ صاحب, 9 مئی کو جس طرح سے فوجی تقسیمات پر حملہ کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں ملک کے کونے کدروں سے گرفتار کیا, کیا آپ اس وقت مطالبہ کرتے ہیں کہ جڑا والا واقعے پر بھی؟ بالکل, ہم کہتے ہیں جی کہ ایک کسی بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس نے ظلم کیا, نشان عبرت بنانا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ قانون کے ذریعے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اور انہیں سزا ملنی چاہیے, اور قانون
अगर हरकत में आए तो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने पहले कहा हमने 22,000 जनाजे उठाए हैं, किसी कातिल को सजा नहीं मिली। ये मुल्क ऐसा मुल्क है, कातिलों का मुल्क बन गया है। यहां कातिल ताकतवर है और जालिम ताकतवर, मजलूम कमजोर बनाए जाते हैं। मजलूम जो इस वतन के सच्चे बेटे हैं वो मजलूम है। ये है इस मुल्क का हाल। सर जड़ा वाला ने सेकंड चीफ जस्टिस भी गए हैं वहां पर, उन्होंने कहा कानून हम लाएंगे, हम उनको सजा देंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द को, जिस मुल्क की आला अदलिया ग्रुपों में बटी हुई हो, डिवाइडेड हो, हसास हालात से दुनिया गुजर रही, मुल्क गुजर है, इंटरनेशनली चेंजिंग आ रही है, पावर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मुंतकिल हो रही है, जिस आला अदलिया के जजों के ग्रुप बने हुए हों, ग्रुप बने हुए, वो तो आपस में ही उलझे हुए हैं, वो क्या करेंगे? अभी मौजूदा चीफ जस्टिस है, उनके एक ग्रुप मुखालिफ है, कल ये आएंगे उनको दूसरा ग्रुप मुखालिफ होगा। भाई जिन्होंने अदल इंसाफ देना है उनके अंदर भी तो कुछ यूनिटी होनी चाहिए। फिर अभी अदलिया की बात सुन कौन रहा है, मुझे बताएं, सुनी जा रही है? जो अदलिया ने फैसले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, उन पर अमल हुआ है? किधर है अदलिया, किधर है, कौन को सुनता कौन है? भाई मजाक है, आप अपनी आंखों से देखें भी और अपने कानों से सुने, जो आपको दिखाया और सुनाया जाता है वो ना देखें ना सुने। इस मुल्क के अंदर तो ऐसा है, कहां है अदलिया, किधर है इंसाफ, कहां अदलिया के फैसलों पर अमल हो रहा है? ये बनाना रिपब्लिक सुना था, इससे भी क्यों अगला इसका नाम होना चाहिए। ये तो कोई मुल्क नहीं रहा है, ये जंगल से भी बदतर है। जंगल में भी मजलूमों के जो जिनके छुपने की जगह होती है, यहां तो किसी की जगह नहीं बची है। पीटीएम के मुताबिक की हिमायत करते हैं कौन से? मैं ये कहता हूं देखें कि अगर आप मेन स्ट्रीम जो पॉपुलर पार्टी है उसको आप इलिमिनेट करने का सोचेंगे और उसको कमजोर करने का सोचेंगे तो फिर ऐसे लोग उनकी जगह लेंगे कि ये मुल्क फिर बचेगा नहीं, महफूज नहीं होगा। इस मुल्क को एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप और पार्टी की जरूरत है। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप भी और पार्टी भी, जिसके साथ आवाम खड़े हों। आवाम के बगैर ना मुल्क चल सकता है, ना मुल्क का दिफा हो सकता है, ना पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। लिहाजा इंतहा पसंदी का भी अगर रास्ता रोकना है तो एक जो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ग्राउंड दो, उसे क्यों आप दिन ब दिन उसका दायरा तंग करना चाहते हो? ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। देखिए आज अपना इस मुल्क में आप जितने भी मुकदमात बन रहे हैं गैर कानूनी है, कोई इनका वो नहीं है। आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस पर दिल चाहता है मुकदमा बनाया जाता है और जिस पर दिल चाहता है मुकदमे बने होते हैं उसको फारग कर छोड़ दिया जाता है और उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। ये है पाकिस्तान। यहां पर किसी चीज पर भी अब एतमाद नहीं रहा है, एतमाद नहीं किया जा सकता। देखिए वो जब भी तशरीफ लाएं इस मसले को उठाएं उनका साथ देंगे। हमने पहले भी उनका साथ दिया था मजलूमों का, जिन बेगुनाहों को मारा गया था, हम उनके क्योंकि हम विक्टिम है ना, हमने जनाजे उठाए ना, हमें पता है कि जब घरों से जनाजे उठते हैं नौजवानों के, बच्चों के, बच्चियों के, खवातीन के, तो क्या हालत होती है। हम उनका दर्द महसूस करते थे। वो जब भी तशरीफ लाएंगे इस मसले को उठाएंगे, हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।